सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक। और अगेन मैं ट्रिप पे आया हूँ और इसी दरमियान मार्केट में डंपिंग देखने को मिला। इस बार फिर से अजमा लिए हैं कि जब भी मैं ट्रिप पे जाता हूँ तो मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलता है। और इस बार तो आप लोगों को पहले ही अलर्ट कर दिए थे, देखो मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, हो सकता है कुछ मार्केट में करेक्शन देखने को मिले। और उससे पहले भी दोस्तों हम बोले थे आप लोगों को कि 20 तारीख के बाद कुछ करेक्शन आपको मार्केट में मतलब देखने को मिले एक लिटिल बिट का। तो बिटकॉइन भी थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है और अल्टकॉइन भी थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी हम मार्केट अपडेट के बारे में जानेंगे साथ के साथ दोस्तों कुछ कॉइन। और दोस्तों वजीरेस का एक नया मतलब आईएनआर डिपॉजिट का मतलब अपडेट आया है, जिसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं कि आप लोग के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए आप लोग आराम से वीडियो को वॉच कर ले। तो दोस्तों चलिए मार्केट अपडेट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बिटकॉइन का जो वैल्यू है कल के डेट में काफ़ी अच्छा डंपिंग देखने को मिला। मतलब दोस्तों जैसा कि आप लोग बताए थे कि मतलब यहाँ पे आपको 20 तारीख के बाद एक करेक्शन देखने को मिला। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए हाईएस्ट आपका लगभग मतलब 66K तक गया हुआ बिटकॉइन, 66K तक। और यहीं पे दोस्तों हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका डंपिंग हुआ है तो लगभग 62K पे आ चुका है। तो अगर हम इसे INR के प्राइस की अगर बात करें, आप लोग को बता दूँ, तो यहीं पर अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ पर 1 डेज में देखा जाए तो मतलब 50,80,000 से लेके डंप जो है दोस्तों 48,50,000 तक आया हुआ। लेकिन दोस्तों राइट नो अभी मतलब 48,89,000 तक ही जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग को बता दिए तो करेक्शन होगा। तो इसी बीच में दोस्तों कुछ कुछ जो अल्ट कॉइन है जहाँ पे आपको कुछ डीप देखने को मिल रहा, कुछ डंपिंग देखने को मिल रहा, तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे कि अभी राइट नो कौन कौन से कॉइन डीप में आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम बात करेंगे एक INR डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है, INR डिपॉजिट एवब 1,00,000 रुपीज़, जहाँ पे कुछ नया मतलब इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा था। दोस्तों ये जो कहाँ पे मिलेगा, जिससे आप अगर वजीरेक्स को ओपन करेंगे और इसे फंड वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहीं पे देखेंगे दोस्तों कि आपका व्यू फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि न्यू पेमेंट मेथड फॉर द INR डिपॉजिट, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों फिर यही फॉर्म ओपन हो जाएगा, इस टाइप का फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि आपके सामने। अब यहाँ पे क्या करना है कि व्हाट इज योर वजीरेक्स ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आप जिस ईमेल आईडी से वजीरेक्स अकाउंट लॉगिन किए हैं तो आपको अपना यहाँ पे डालना है। एंड यहाँ पे व्हाट इज द INR अमाउंट डेट यू वांट टू डिपॉजिट, आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपको कितना यहाँ पे डालना है। देन किसके थ्रू मतलब व्हाट इज योर प्रिपेयर पेमेंट मोड, तो दोस्तों आप मतलब UPI स्वाभाविक बात है कि आप EGB में समझेंगे तो UPI कनेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे कुछ अपना मतलब व्हाट इज योर फिर पेमेंट बैंक इन डिपॉजिट INR, दोस्तों यहाँ पे आप किस बैंक से करना चाहते हैं तो बैंक नेम भी यहाँ पे डाल दे। तो उसका दोस्तों यहाँ पे क्या करना है INR डिपॉजिट, तो चलिए सपोज दोस्तों हम यहाँ पे हम डाल देते हैं जस्ट आपको एग्जांपल एक डेमो ग्रुप में कि यहाँ पे मतलब लाइक 1,000 डालते हैं। उसका दोस्तों यहाँ पे हम UPI मोड सेलेक्ट करते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे हम डाल देते हैं कौन सा बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक हम डालते हैं। उसका दोस्तों यहाँ पे जस्ट सबमिट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि डिपॉजिट अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन मतलब 1,00,000 से अबव का करना चाहते हैं, तो चलिए हम वो भी ट्राई कर लेते हैं। 1,000 डाले हैं, चलिए यहाँ पे हम 1,00,000 कर देते हैं। उसके बाद अगेन हम सबमिट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम अगेन चेंज किए, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पक्का पक्की 1,00,000 भी डाल रहे हैं तो नहीं ले रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे 1,20,000 करते हैं, 1,20,000 करते हैं। देन यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या INR डिपॉजिट एबव 1,00,000 योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि यहाँ पे मतलब रिकॉर्ड किया गया। देन दोस्तों आगे का क्या प्रोसेस होगा, अब दोस्तों हम यहाँ पे यही बात बता सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा कोई डिटेल्स दिया नहीं कि आगे क्या होगा। अब अगर हम बात करेंगे इसे कि हम यहाँ पे ओपन करके रखें तो हम बात करेंगे दोस्तों इसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे आपसे रजिस्टर ईमेल आईडी लिया जा रहा है, आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं 1,00,000 से अबव तो आपको बताना होगा, आप किस मोड से करना होगा तो यहाँ पे UPI मोड आप डाल देंगे, और आप किस बैंक से करना चाहते हो डाल के सबमिट कर देंगे। उसका दोस्तों वजीरेस के माध्यम से आपके पास वैसा कुछ मैसेज आएगा जिसके माध्यम से आप पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों मुझे ये ऑप्शन मतलब काफ़ी हाई रिक्स लगा, अपने ईमेल आईडी पे ओपन करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अभी वैसा कुछ ईमेल आईडी मतलब मैसेज देखने को नहीं मिल रहा वजीरेस के माध्यम से। तो दोस्तों ये जो मतलब ऑप्शन है वजीरेक्स का बिल्कुल मतलब सही नहीं है, मतलब मुझे तो सही नहीं लगा ये ऑप्शन। और आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों को कैसा लगा ऑप्शन। बाकी बात दोस्तों हम सेकेंड ऑप्शन के बात करें जो कि लाइफ टाइम के लिए बता चुका हूँ, मतलब P2P माध्यम से, वहीं पे बहुत सारा कमेंट आया कि सर उसमें ज़्यादा चार्जेस लगता है, तो आप बाइनेंस का P2P यूज करो, वहाँ पे आपको कम चार्जेस पे करना पड़ेगा। दोस्तों अभी लाइफ टाइम के लिए
P2P यूज करो और आप EGBA में UPI पेमेंट कर सकते हो। नहीं जानते हैं तो रिसेंट में हम बनाए हुए हैं वजीरस का P2P माध्यम से, अब EGBA में कर सकते हैं, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। और अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ कॉइन के लेके। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि अभी मैं कुछ वेट लिस्ट में रखा हूँ, इसके DNT है जो कि मात्र 14 रुपये के रेंज में मिल रहा है। राइट में अगर आप इसे अभी पिक कर लेते हैं और बिटकॉइन का जो मोमेंट है अगर पंप हो जाता है तो आपको जरूर दोस्तों इसमें 20-30% ग्रोथ देखने मिलेगा। CTSI की बात करें दोस्तों तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया हुआ, 80 रुपये प्लस गया हुआ 90 रुपीज़। अभी मौका है दोस्तों डीप में इसे परचेज करने का, एक्सी को भी परचेज करने का, साथ दोस्तों पॉली, तो पॉली दोस्तों लगभग 70-80 रुपये जा चुका है, राइट नो 56 मिल रहा, आप इससे भी ले सकते हैं। बाकी बात दोस्तों अभी अपने हिसाब से जो टॉप 10 टॉप 20 अल्ट कॉइन है आपसे पिक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक अच्छा मौका दिया है करेक्शन के दरमियान पिक करने का, चाहे आपका SXP हो, चाहे आपका UFT हो, इस तरह से बहुत, चाहे आपका FTX हो, मतलब बहुत ऐसा कॉइन है जो कि फील कॉइन हो, सब में एक डीप मिलने का मौका दिया है दोस्तों। अभी एक बहुत अच्छा चांस है कि मार्केट करेक्शन हुआ है तो यहाँ पे डीप मिलने का मौका है, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे होंगे जब बिटकॉइन पंप हो रहा था उसमें भी अल्ट कॉइन में उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन दोस्तों जैसे आप देखिए कि मतलब ग्रोथ तो देखने को मिल रहा था, लेकिन जिस अनुसार से उम्मीद था कि अगर बिटकॉइन 2% पंप हुआ तो अल्ट कॉइन 6% होगा, 4% होगा, लेकिन वैसा नहीं है। लेकिन दोस्तों जब देखे कि बिटकॉइन जब डंप हुआ, करेक्शन लिया, तो अल्ट कॉइन में भी करेक्शन देखने ही मिल रहा है, इसलिए दोस्तों डीप में एक अच्छा मौका है। बाकी दोस्तों आईना डिपॉजिट का जो ऑप्शन है P2P माध्यम से करें। और दोस्तों यही अपडेट था आज के लिए, और अभी मैं ट्रिप पे जैसा हूँ तो टाइम टू टाइम जब भी टाइम मुझे मिलेगा तो आप लोग अपडेट करते रहूँगा। साथ में दोस्तों ज़्यादा अगर ऐसा कुछ अर्जेंट होगा, अगर नहीं कर पाऊँगा तो मैं यहाँ पर टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिंग व ऑफिशियल यूजर नेम चेक कर ले, यहीं पे आपको हमेशा अपडेट करते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।